नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ विद सुमन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सीरीज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आइडेंटिटी का ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले दो क्लास, दो या तीन कर चुके हैं, आपका प्लेलिस्ट में है, वो आप वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। और जो भी बच्चा अभी इसको नहीं देखे हैं वो बिल्कुल उसको अवश्य देखिएगा, ओके। तो ये आपका 21 का सेकेंड नंबर नंबर आपका बुक में कोई डिफरेंट भी हो सकता है एक ट्यूशन, बट होगा जरूर, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ट्यूशन को लिखा हूँ, ठीक ना। तो प्रोसीड एलएचएस से करते हैं। यहाँ पे गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट। क्या गिवन है? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट इक्वल टू कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा प्रूफ करना है, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बच्चों, यू नो अबाउट दिस, आप इसके बारे में जानते होंगे, मैं कितना बार इसको बतला चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा खुद से हम कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। कुछ भी हम लोग ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस वाले से करेंगे, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन, ठीक ना। क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनलाइजेशन, ओके, रेस आर ए टी आई, रेशनलाइज हियर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, ये प्लस वाला है तो माइनस वाला बीच में साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशनलाइजेशन का मतलब है क्या होता है, बीच में साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण, 9th में ये पढ़ना था, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस है, क्या है, माइनस है। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो माइनस वाले से जो भी आपका डिनोमिनेटर में उसका प्लस में है तो माइनस वाले से हम रेशनलाइज करेंगे, माइनस है तो प्लस वाले से करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग नीचे में डिनोमिनेटर में इसका 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम लोग को न्यूमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। नाउ क्या करेंगे, ये सेम है तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अभी आपको मैं करके दिखाया था, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट का क्या है, अंडर रूट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसको सेपरेट कीजिए, आप लोग सेपरेट करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन कॉस थीटा माइनस कॉस वाई साइन कॉट थीटा प्रूव्ड। तो ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ये रेशनलाइजेशन वाला एक कंसेप्ट था, इस पे प्रॉब्लम रहता है, ठीक ना, इस पे प्रॉब्लम आइडेंटिटीज में आता है। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके, एंड मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, पेन एंड पेपर लेकर बैठना है, पेन एंड पेपर लेकर बैठना है, तब आपको क्लास ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का थर्ड, एक और है इसी टाइप का, उसको भी देख लेते हैं। दो क्वेश्चन में आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं समझ पाए होंगे इसमें समझेंगे। क्या है वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा, सेपरेट है, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस है, वन माइनस कॉस थीटा, क्या बच्चों, वन माइनस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, बस इसके अपोजिट है, वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ डिनोमेटर प्लस है, यहाँ डिनोमेटर में माइनस है, इतना इक्वल टू क्या प्रूफ करना है बच्चों, इतना इक्वल टू प्रूफ करना है टू कॉसेक थीटा प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चों, टू कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम लोग रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज, आप लिख लेना कॉपी में रेशनलाइज, तो रेशनलाइज हम करेंगे, तो क्या करेंगे इसको फिर से अगेन लिखेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस वाला है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमेटर में क्या करेंगे, माइनस वाला है, वन माइनस कॉस थीटा है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस कॉस थीटा, क्यों क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस, मुझे रूट, अब आपका रूट है तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जब भी हम लोग को रूट दिखता है तो क्या करते हैं कि रूट से अंदर चीजें बाहर, मतलब जो चीजें हैं वो रूट के अंदर हैं, तो उसे बाहर निकालना है, उसे क्या करना है, मुझे रूट से आउट करना है, ठीक ना, तो इसके लिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर में डबल है, साइन टू साइन, तो एक बाहर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें यहाँ पे इस सिचुएशन में इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं रेशनलाइजेशन। ओके, तो इस तरह का आप नाइन्थ से बहुत सारे रेशनलाइजेशन आप किए होंगे, ठीक है, तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस वाले से मल्टीप्लाई, तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर ऑलरेडी पहले से यही था, इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस अगेन इसमें क्या करेंगे, डिनोमेटर में क्या है बच्चों, वन प्लस कॉस थीटा है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऊपर माइनस है ऑलरेडी तो वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, स्क्वायर, सो नाउ क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, अभी हम लोग किए थे, मैं आपको बताया था वन प्लस कॉस थीटा डबल है, वन प्लस कॉस थीटा ये पूरा का पूरा टर्म का स्क्वायर है, तो एक बाहर आ जाएगा तो वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, नीचे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं लिखेंगे हम डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में होगा ये अंडर रूट, लेकिन हम लोग अंडर रूट से इसको बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका हट जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको रूट को ऊपर से हटाते हैं, सेपरेट हम रूट करेंगे ना इस तरह से, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये है तो स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसिल, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना भाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा सेम टर्म है, वन माइनस सेम टर्म है तो साइन थीटा यहाँ पे हो गया, अब क्या करेंगे, साइन थीटा को एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा को एलसीएम लेते हैं तो दोनों सेम है, तो वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल, वन प्लस वन टू, टू इंटू वन वाई साइन थीटा आ गया, क्या आ गया बच्चों, टू इंटू वन वाई साइन थीटा इक्वल टू वन वाई साइन थीटा व्हाट, कॉसेक थीटा, सो टू कॉसेक थीटा प्रूव्ड, सो टू कॉसेक थीटा, तो आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ में सेशन आ रहा होगा, ठीक है, और बहुत मजा आ रहा होगा इसमें, क्योंकि हम लोग जो भी बच्चा पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो प्लीज़
वाले वीडियो जा करके देखे तो, और ये आपका सेशन इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। पहले वाले वीडियो आप देखिए तो ये सेशन और इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैं अभी जो भी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, उसको मैं पहले बहुत अच्छी तरह से कितना बार, मतलब बहुत बार बतला चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब मेनी टाइम्स उसको मैं करवा चुका हूँ। जो भी आपको डाउट हो रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको आप पीछे वाला वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में जरूर देखें, ओके। एंड आपको एक्सरसाइज से जो भी आपका डाउट आ रहा होगा, जो मैं आप वीडियो देख लिए हैं मेरा, उसके उसमें भी मैं एक क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ, फिर भी आपका एक्सरसाइज सोल्व किए तो आपका डाउट है, तो वो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप डाउट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, कहाँ किए थे? 21 का सेकेंड, 21 का सेकेंड किए हैं, 21 का सेकेंड एंड थर्ड दोनों कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये इस बुक का नहीं है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, आइडेंटिटीज का ही एनसीईआरटी का है। 1 + tan θ + sec θ, 1 + tan θ + sec θ, 1 + tan θ + sec θ, 1 + tan θ + sec θ इंटू 1 + cos θ इंटू 1 + cot θ, 1 + cot θ -cosec θ, -cosec θ = 2। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चों? 2। तो क्या करेंगे इसको, हम लोग को इसमें क्या दिख रहा है? सिंपल सा, अभी अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है कि हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एंड कॉस में। तो 1 कन्वर्ट करते हैं, 1 + sin θ / cos θ + 1 cos θ, 1 + cos θ / sin θ - 1 sin θ, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? cos θ एलसीएम हो जाएगा बच्चों, 1 से cos θ + sin θ + 1 इंटू, यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया बच्चों? sin θ, यहाँ पे एलसीएम आपका हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 × sin θ sin θ, 1 × cos θ cos θ, 1 × cos θ cos θ, sin θ से यहाँ पे sin θ डिवाइड किए 1 आ गया, तो -1 -1। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला टर्म मैं इसको थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ, cos θ + sin θ, 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 ये पूरे का पूरे आप टर्म ए मान लीजिए, क्या कीजिए, ए मान लीजिए, तो a + b × a - b आपको दिख रहा है। न्यूमरेटर में आपको इस पूरे टर्म जो है आपको cos θ + sin θ, cos θ + sin θ, उसको ए मान लिए हैं, और 1 को बी मान लिए हैं, तो a + b × a - b आपको दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, a + b × a - b किसका फॉर्मूला होता है? a² - b² का। किसका होता है? a² - b² का। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे a² - b², तो a² की जगह पे क्या है? sin θ + cos θ, तो a² - 1 का² 1 बाई sin θ इंटू cos θ मल्टीप्लाई हो जाएगा sin θ इंटू cos θ। आगे प्रोसीड करेंगे तो इसको ब्रेक करते हैं, क्या होता है, इसको ब्रेक करते हैं, a² sin² θ प्लस cos² θ, a² + b² + 2ab, 2 sin θ इंटू cos θ, a + b का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक किए बच्चों, तो a² + b² + 2ab -1 बाई में क्या आ जाएगा? sin θ इंटू cos θ। इतना का वैल्यू क्या होता है? sin² θ + cos² θ। आप देख पा रहे होंगे sin² θ + cos² θ का वैल्यू क्या है? 1 1 है, तो यहाँ पे +1 या -1 क्या हो गया? कैंसिल। sin² θ + cos² θ का वैल्यू 1 होता है, ये हम फर्स्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं, इसके प्रूफ के साथ, इसके रीजन के साथ हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2 sin θ इंटू cos θ
बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, टू आपका क्या हो गया प्रूफ। सो तो आप लोग को समझ में आया आया होगा अच्छे से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट एक 22 कर देते हैं, पहले हम लोग 25 करते हैं। ओके पहले ट्वेंटी टू भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसी को पहले करते हैं। कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा, इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बाई में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक टर्म और इसी में ऐड कर दिया है, प्लस कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा है। ओके बच्चों, कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बाई में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लोग पढ़े हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, जो नहीं लिख पाए फिर से इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, मैं प्रत्येक क्लास में इसको लिखता हूँ। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है, तो एल एच एस से हम लोग प्रोसीड करेंगे। कहाँ से प्रोसीड करेंगे, एल एच एस से, तो कॉस टू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा, तो कॉस थीटा का होल क्यू, साइन थीटा का भी ये होल क्यू लिख सकते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू पे इसको ब्रेक करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, ये तो माइनस वाला प्लस वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी वाला ये होता है, ए माइनस बी वाला आपका ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सेकेंड वाला टर्म, इसको भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, पहले कॉस है डोंट वरी, उसे किसी को भी पहले लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर ही है दोनों का, दोनों प्लस नहीं आए नहीं आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाला है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, प्लस ए बी, ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई में क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया बच्चों, ये आपका टर्म कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया बच्चों, यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी अगेन आपका कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया वन, यहाँ भी आपका ये क्या हो गया वन, तो नीचे वाला तो टर्म डिनोमेटर वाला टर्म क्या हो गया कैंसिल, तो क्या लिखेंगे, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, तो मैं आपको लिखा ही नहीं था, इतना इक्वल टू क्या प्रूफ करना है टू, क्या प्रूफ करना है टू। ओके हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस वाला है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस, फॉर्मूला को भी अच्छे से लिखना है, ये प्लस वाला है ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए यहाँ पे बीच में क्या होता है माइनस होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला आप देखिए माइनस ए भी होता है एंड माइनस वाले में प्लस भी होता है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे,
यहाँ पे माइनस होगा। देखिए अब फॉर्मूला में वहाँ पे माइनस होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखे, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वाला, एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाला, बच्चों दोनों कैंसिल हो गया, वन प्लस वन इज व्हाट, टू, प्रूव्ड, वन प्लस वन इज व्हाट, टू। ओके बच्चों, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सो आई रेज इट एंड मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन और इस सेशन का हो जाए जो मैं आपको बताया था। 25 नंबर क्या है, 25, वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आया हुआ है पेपर में, वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाई में क्या है, साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है बच्चों, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा इक्वल टू, मुझे तो लग रहा है ये एल एच एस से क्या करेंगे, वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आपका ये है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज वॉट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा मैं यहाँ पे लिख दिया, भाई में क्या है, साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ओके। कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस वन, ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा यहाँ पे प्लस वन, नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन, कॉस थीटा प्लस वन है, क्या है बच्चों, कॉस थीटा प्लस वन है, तो कॉस थीटा प्लस वन, कॉस थीटा प्लस वन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में आपका क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया बच्चों, कॉस थीटा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपका क्या बच गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, व्हाट, कॉस थीटा, ये बिल्कुल इजी था लेकिन पेपर में आया हुआ था इसलिए मैं आपको ये बतला दिया, ओके। तो हम लोग यहीं पे इस सेशन को रहने रहते हैं, आगे हम लोग इसके आगे वाले एक प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसको पूरे बोर्ड को देख लीजिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी डाउट है उसको आप टेलीग्राम पे वीडियो में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जाकर के उसको डाउट कर सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।